में कोई सुविधाएं नहीं विधायक जी ने, जनता के साथ केवल अन्याय किया है विधायक। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रत्याशी जब भी आ जाएगा चरण सिंह को जब मौका देगी तब हो जाएंगे। भाजपा से तो नाराजगी और प्रत्याशी से नाराजगी। क्षेत्र में इतना कोई आदमी नहीं है कि अब पार्टी के उसमें बीजेपी में डाल प्रत्याशी क्षेत्रीय मेरा नाम है परसोत्तम चौरसिया। कब तक आपने बीजेपी का? बीजेपी में वैसे मेरी उम्र तो हो गई 56-57, लेकिन 35 साल से निरंतर जब से बीजेपी का संगठन हुआ 85-86 में, तब से बीजेपी का एक सिपाही रहा हूँ, ईमानदार कार्यकर्ता रहा हूँ, कभी पीछे नहीं हटा हूँ। अपना खर्च करके ही प्रचार करती थी, लेकिन आज निरंतर अनदेखी हो रही है। कार्यकर्ताओं को कोई जगह नहीं मिल रही है, कोई बैठने को नहीं मिल रहा है, कोई ब्लॉक में जगह नहीं, 35 साल के बाद भी कोई पद नहीं। साथ साथ में क्षेत्र की जनता की जो पुकार है उसको सुनते हुए हमें अपने आप में दर्द होने लगा। बेरोजगार भटक रहा है, बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी आने की कोई रास्ता थी वो भी डूब गई है। इसलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी करण सिंह का मन बना लिया था और पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रत्याशी जब भी आ जाएगा, करण सिंह को जब मौका देगी तब हो जाएंगे। आज तो मैं करण सिंह के साथ रहूंगा, क्योंकि हमारी क्षेत्र की जनता हर चीज से दुखी है। अब 35 साल का संघर्ष था, आपने समय दिया बीजेपी के लिए, वो अचानक बीजेपी करण सिंह के लिए आपने छोड़ दी जी, तो इससे कितना अंदर से आदमी दुखी रहे आप? हम इस बात से दुखी नहीं है कि पार्टी छोड़ दी, हम इस बात से दुखी थे कि पार्टी के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, ये जनता की सुनाई क्यों नहीं कर रहे। केवल एक रास्ता था हमारे क्षेत्र के लिए पानी आने के लिए, वो रास्ता, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। एक रास्ता था उल्दन परियोजना, और वो जो है हमारे यहाँ के पाइप डल गए थे, लेकिन इन विधायक जी के सामने देखते देखते पूरे पाइप उठ गए। पानी आने की कोई आशा नहीं है और भविष्य में पानी की कोई रास्ता हमारे लिए बची भी नहीं है। इसलिए हमारे किसान गरीब मजदूरों के साथ जो अनदेखी हो रही है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरियां बनाई, इस्तीफा दिया। बाहरी प्रत्याशी 2018 में कांग्रेस उतारती है और प्रद्युम्न सिंह को यहाँ से विजयी घोषित, उसके बाद वो अचानक बीजेपी में चले जाते जी, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या? नहीं, बाहरी के साथ नहीं है, हम तो क्षेत्रीय प्रत्याशी के साथ रहेंगे। जो पार्टी को बेच देते हैं, अपने मत को बेच देते हैं, अपनी जनता की वोट को बेच देते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना तो उसी दिन हट गया था, मेरा मन अलग हो गया था। लेकिन उस समय ऐसा आया, ऊपर वाले की कृपा होगी कि करण सिंह को जनता ने अभी जिला पंचायत चुनाव में 20,000 वोट दे करके विजयी बनाया था। आज जनता उसी क्षेत्र की 40,000 वोट दे करके करण सिंह को विजय बनाने का काम कर रही है, विजय बनाने का काम करेगी जी। मगर सबसे बड़ी बात है, फिर दोबारा जब उपचुनाव होता है बीच में, फिर उनके ऊपर क्यों आप प्रद्युम्न सिंह के पास जनता पहुंच जाती है? उस समय क्या था कि पार्टी की सरकार बन चुकी थी, अब बनी हुई सरकार को गिराना बड़ी बात होती है। मेरे मन की ये भाव थे कि अच्छा काम करेंगे प्रद्युम्न सिंह, कांग्रेस में जो भी किया सो किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तो रहेंगे। लेकिन इन ना मिलके रहे, ना किसी कार्यकर्ता की पूछ रही, ना जनता के हित में कोई काम किया गया। इसलिए हमने अपना मन बनाया कि हम जो है निर्दलीय करण सिंह के साथ रहेंगे और विजय बनाएंगे। निर्दलीय जी करण सिंह के साथ आप जाएंगे, आप कह रहे हैं जी। मगर अब बात करेंगे रामसिया भारती की, वो लोकल से आती थी उपचुनाव में जी, तो उस उपचुनाव में क्या रामसिया भारती का प्रशासन से चुनाव था या प्रत्याशी से? प्रशासन से चुनाव था, प्रत्याशी दूर थी, प्रत्याशी की बात नहीं थी। उस समय प्रशासन लगा था, एक एक मोहल्ला में मंत्री लोग बैठे थे। रामसिया भारती को जनता ने कम वोट नहीं दी है, लेकिन अब उस समय का कुछ अलग होता है जलजला, इसलिए रामसिया भारती उस समय हार गई। इस बार कहीं करण सिंह के लिए आप किस तरह की रणनीति तैयार करेंगे जिताने के लिए? जिताने के लिए हम ये रणनीति तैयार करेंगे कि हर किसान मजदूर वर्ग में जाकर के अपनी बात कहेंगे कि अपना हित देखो। यदि ये सोती हुई जनता हमारे विधानसभा 53 मलेरा में जो सो रही है, इसको जगाएंगे कि बाहरी लोगों को भगाइए, क्षेत्र का बेटा चुन करके विधायक बनाइए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ जनता से, करण सिंह लोधी के लिए क्षेत्र की जनता से। दादा किस तरह इस बार चुनाव देख रहे हैं? यहाँ तीन लोधी समाज के लोग खड़े हैं, इस बार चुनाव है, तीनों प्रबल हैं, एक दूसरे से कोई कम नहीं है। भाई साहब, आदमी सब सही है और पार्टी सही है, लेकिन जे जो भाई साहब ने कहा है उस बात का है कि जो अपने क्षेत्र में इतना कोई आदमी नहीं है कि अब पार्टी के उसमें बीजेपी में डाल देगा, जो प्रद्युम्न सिंह के लिए बाहर से बुला के वो टिकट दी जाती है। इसलिए और पार्टी में हमने भी जब से वोट डाला है सो बीजेपी में डाला, अब हमारा मत है, अब हमको जिसको देना होगा उसको देंगे। और हमारा ये नहीं है कि हम उनको दे चुके कि देंगे, अब जो नहीं,
इस बार आप बदलाव करेंगे, ना बीजेपी ना कांग्रेस, हाँ। इस बार निर्दलीय के साथ जाएंगे। अब हम चाहे किसी के साथ जा सकते हैं, जो तो हमारा मत है, अब जाते समय किसके बदल जाए, लेकिन बीजेपी को हमारा मन नहीं है, बीजेपी के साथ तो नहीं है, नहीं है। आप इस बार किस तरह से देखते हैं 23 का चुनाव? हमको सर बाहर प्रत्याशी नहीं चाहिए, क्षेत्रीय चाहिए, निर्दलीय को जीता है। क्षेत्रीय प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए? करण सिंह। करण सिंह जी, कैसे आप देखते हैं करण सिंह? करण सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने अच्छा विकास किया है, वक्सवाहा ब्लॉक में बहुत अच्छे हैं। जैसे जिला पंचायत का चुनाव बताते हैं, बहुत अच्छे, 30,000 वोट लिया जिला पंचायत। जैसे उनका काम करने का तरीका आपको भाता है कि उनके वो काम करते हैं, विकास करते हैं, जनता के बीच, हाँ, जनता के बीच रहते हैं, सबको सुख दुख में आते जाते हैं, इसलिए वो सही है, क्षेत्र के हैं, बाहरी नहीं है, ना प्रदुम ना राम सिया, ना प्रदुम चाहिए ना राम सिया, अपने क्षेत्र का निर्दलीय चाहिए सर, प्रदुम हो तो रजनीकांत बना, क्या बना? रजनीकांत बन जाएगा, मोड़ा छा छूट जाएगा, अच्छा पगड़ी छूट जाएगी, पगड़ी छूट जाएगी, छुड़वा दोगे? अरे छुड़वा दे जनता, हमारा कह के लाने वोट ही तो डालना हमारा, प्रदुम कौन होता है उसे लिया? प्रदुम सिंह की बहुत मजबूत पकड़ी है, काम मजबूत, जनता में इतनी दम है कि प्रदुम भाग जाएगा हिंदुजा। प्रदुम सिंह को कह रहे इस बार हम फिर चुनाव जीत, अरे बेकहां जीत रहे, देखियो आप 5,000 से आगे ना वोट गए हैं, 5,000 गलती से चली जाएगी, बहुत बड़ी बात बोल, बहुत बड़ी बात बोल रहे। ठीक, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब नहीं, पहले आप तो ये बताओ कि बार आपके क्षेत्र में कमी क्या है विकास में? विकास में पानी की कमी है, इवान हो रोजगार की कमी है, बाहर से में जो कछु भाव तो बाहर से केवल मैं किया हूँ, ना विधायक जी को जाओ कहे विधायक जी जो काम सुन नहीं है, हो जाएगा विधायक जी का काम सुन नहीं, सुनने नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कितनी बार आप विधायक जी के पास गए? दो बार गए। तो ये बीजेपी से नाराजगी है, प्रत्याशी से नाराजगी? नहीं, भाजपा से तो नाराजगी है और प्रत्याशी से नाराजगी है, और भाजपा से भी, भाजपा से इस बात की नाराजगी कि बाहरी प्रत्याशी आप लोगों को देते हैं? हाँ। भाई हमारा क्षेत्र को भाव चाहिए, विकास भाव चाहिए, आदमी हो रोजगार मिलो चाहिए, हम तो निर्दलीय डॉक्टर साहब के, करण सिंह के संग, करण सिंह के, एक एक करोड़ की टिकट बेच के, एक एक करोड़ की टिकट बेच के, किसने बेची एक करोड़? अब जब पैसा वाले ढूंढे तो उनके पास पैसा है, जब ये दे दूंगे, किसने बेची टिकट? जो टिकट बांटने वाली का हमने बेची का टिकट, बीजेपी की, अरे बीजेपी की ने बेची, बीजेपी की तो बीजेपी वाले ने बेची, जो बड़े प्रत्याशी हुए जो उन्हें पैसा वाले हो उनको टिकट दी जाती है। किनको? हिंडोरिया के जैसे प्रद्युम्न सिंह है, हाँ। उनके पास पैसा है, हाँ। अब उनने नहीं समझा कि वो किसी के पास पैसा हो, हाँ। अब हो गया नहीं, जब तो उनने दिया नहीं है टिकट, तो प्रद्युम्न सिंह ने कहा टिकट खरीद के बीजेपी से आएगा, वो का उनने वो बगैर पैसा की खरीद आ गए का, जब पैसा होंगे उनके पास, इतने प्रत्याशी रहे इस क्षेत्र में मलेरा विधानसभा क्षेत्र में, उनके पास पैसा नहीं हुआ जब तो उन्हें टिकट नहीं मिली, अब इनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी वाले हैं, संपत्ति वाले, उन्हें टिकट मिली, तो चुनाव पैसा की दम पे आ, पैसा की दम पे हो रहा, उनकी दम पे नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, आप बताओ, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जैसे रोड नहीं, पानी नहीं, हर चीज से जनता परेशान रही है, विधायक जी से रही और बेरोजगार इसे रही, वे कोई सुविधाएं नहीं, विधायक जी ने जनता के साथ केवल अन्याय किया है, विधायक जी ने और कोई अच्छा नहीं किया है। तो राम सिया भारती तो लोकल से, वे लोकल से, वे बाहरी है, चेतुआ है, अच्छा, वो भी बाहरी, चेतुआ नहीं गई, हमारा क्षेत्र का चाहिए, अपने क्षेत्र का, क्या डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह जैसा जी, अगर करण सिंह जैसा प्रत्याशी अगर नहीं आता मैदान में फिर क्या करते आप? क्या अगर करण सिंह नहीं होते मैदान में फिर क्या करते? फिर वो डिसीजन निकाल, इस बार करण सिंह के साथ खुल के जाओगे? खुल के रहे भैया। किस तरह की तैयारियां हैं 23 के चुनाव में? 17 तारीख को वोट डालना है, 23
17 तारीख के लाने में निर्दलीय हैं वोट मिलने हैं तो बाकी की दोनों पार्टियों ने बाहर की प्रत्याशी उतारे हैं इसलिए वोट मिला है दोनों बाहरी प्रत्याशी दोनों बाहरी का सही नहीं है। कारण क्या रहा कि इस बार आप बीजेपी कांग्रेस से दोनों से नाराजगी है? करण सिंह ऐसा क्या करके आए हैं कि अपने क्षेत्र में करण सिंह की ओर लोग भाग रहे हैं? वे सुख दुख में जनता के साथ रहते हैं इसलिए। करण सिंह का कोई ऐसा काम है क्या? हाँ है कैसा? क्या सुनवाहा का गेट देख लीजिए आप, करण सिंह देख लीजिए सभी समाज का। और क्या है? अवंती बाई की मूर्ति है, मंदिर देख लीजिए, सीसी रोड देख लीजिए। गाँव धार्मिक कितने काम किए हैं? बहुत ज़्यादा किए हैं, ऐसा कोई गाँव नहीं है जिनमें काम नहीं करवाया। जिला पंचायत क्षेत्र की बाउंड्री करवाए, स्कूल की बाउंड्री है, कोई मंदिर की है, चबूतरा है, टीन सेट है, बहुत से काम करवाए। तो इसलिए आप लोगों के मन में है इस बार करने का। आप सुनवाहा का गेट देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि सभी समाज के लेकर चलते हैं, सब समाज के साथ देख लीजिए उनका। ये थे हमारे साथ बड़ा मलेरा विधानसभा क्षेत्र के लोग। उनका लगातार कहना है कि हमारे यहाँ प्रद्युम्न सिंह लोधी को हमने पहले देखा है, अब वो बाद में बीजेपी में जाकर बिक जाते हैं, उसके बाद फिर पैसे की ताकत पर टिकट लेकर बीजेपी में आ जाते हैं। हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए, डॉक्टर करण सिंह जैसा प्रत्याशी चाहिए जो सुख दुख में हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। और रामसिया भारती की बात करें तो वह भी बगल के क्षेत्र की हैं, ना कि हमारे लोकल की। इस बात पर वो करण सिंह के साथ पूरी जनता खड़ी है और इस बार वो निर्दलीय के साथ जाना चाहती है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रणाम।